नमस्कार फ्रेंड्स, मैं संजीत और मेरा म्यूजिटेक चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है फ्रेंड्स। और मैं माफ़ी चाहूँगा फ्रेंड्स कि मैं अपने चैनल पे बहुत दिनों से कोई वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। वो क्या है फ्रेंड्स कि मेरा लैपटॉप ही चोरी हो गया था, तो मैं बहुत प्रॉब्लम में फंस गया था और आप लोगों को कोई वीडियो अप टू डेट नहीं दे पा रहा था। लेकिन फ्रेंड्स, अब सब कुछ ठीक हो गया है और आज आपके लिए सबसे बेस्ट टॉपिक लेके आए हैं फ्रेंड्स, और वो आपके कमेंट का ही वीडियो मैं बना रहा हूँ। वो क्या है फ्रेंड्स कि आज का टॉपिक है डिले। आज पूरी वीडियो में मैं सिर्फ आपको डिले के लेके बताऊंगा, डिले का पैरामीटर, डिले का सेटिंग्स, डिले साउंड, डिले टाइमिंग। आज डिटेल से मैं इसी के बारे में बात करूंगा, और ये वीडियो देखने के बाद आपको फिर कभी डिले के बारे जानने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं कि डिले होता क्या है। डिले क्या होता है फ्रेंड्स कि जब हम एक साउंड को कभी हिट करते हैं, कोई भी साउंड अगर एक बार हम जैसे हिट करते हैं, हिट करने के बाद वही साउंड हमको कुछ टाइमिंग अंतराल बाद वो दोबारा सुनाई पड़ता है, तो उसको हम डिले कहते हैं। डिले से फ़ायदा क्या होता है कि बहुत ऐसे पैंच होता है जो डिले लगा के बजाने से मेरा इजली हो जाता है, आसान होता है। लाइव शो हम करते हैं तो डिले लगाने के से बहुत सा आसान हो जाता है, हमको बनाने में और बजाने में भी आसान हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आइए चलते, कुछ डीले पैंच हमने बना के रखा है जो यूज करते हैं, हम थोड़ा बहुत आपको सुनाते हैं। उसके बाद उसके पैरामीटर सिस्टम के बारे में बताऊंगा कि कैसे डीले सेटिंग होता है। तो आइए कुछ पैंच आपको सुनाते हैं। आइए अब बात करते हैं। चलिए, हम दो टोन मुख्यतः क्या है फ्रेंड्स कि हम लोग जो हाईएट है उसमें डिले लगाते हैं, थुम्बा वगैरह हम लगाते हैं, या किसी में भी आपकी ज़रूरत आपके पैच के हिसाब से है, वो हम नहीं कहेंगे किसी में लगाना चाहिए। बट मैं डिले का सेटिंग के बारे में ये वीडियो बना रहा हूँ तो उसके टोटल। तो सबसे पहले फ्रेंड्स क्या करना है कि चलिए हिट करते हैं, हम यहाँ पे एक ले लेते हैं, हाईएट ले लेते हैं, इसमें साइन अभी देख रहे हैं HH। तो क्या करेंगे, सबसे पहले ये रहा HH मेरा, चलिए 16 नंबर का हाई हैट ले लेते हैं। चलिए ये ले लिए हैं, और एक इधर थुम्बा ले लेते हैं ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो थुम्बा के लिए हमको जाना पड़ेगा CU फोल्डन, यानी क्यूबन परकसन जिसको हम कहते हैं। ये थुम्बा का सारा कैटेगरी आपको मिलेगा, फिर राइट एरो चलते हैं, थुम्बा लेते हैं 27 नंबर का ले लेते हैं क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज होता है। 27 हो गया, 36 हो गया, 44 हो गया, 51 हो गया, ऐसे सारे यूज होते हैं तो सब अपनी ज़रूरत। देखिए दो पैंच, दो टीन हम ले लिए हैं यहाँ पे, दो साउंड। अब इस पे डिले का काम करेंगे।
तो ये तो मैं इसको सेव कर लेता हूँ पहले, उसके बाद आते हैं फिर से। अब क्या करना है फ्रेंड्स कि वो दोनों साउंड हम यहाँ पे सेव कर लिए हैं। अब डिले के लिए सबसे पहला प्रोसेसिंग क्या है, तो सबसे पहले प्रोसेसिंग अब हम जाएंगे फ्रेंड्स वॉइस, ये दिखता होगा, वॉइस पे क्लिक करेंगे, लाइट जैसे ही जलेगा। उसके बाद आपको राइट एरो पे, ठीक है, देखिए मेरा ये राइट एरो, मैं स्लो इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। राइट एरो पे क्लिक करेंगे, आया ट्यून, इसमें कुछ नहीं चढ़ना है, फिर प्लस टोन इसमें भी नहीं चढ़ना है, आपको जाना है इफेक्ट, इफेक्ट फोल्डर आए, उसके बाद आपको इंटर कर देना है, यहाँ इंटर पे लाइट है, इंटर कर दिए। अब एक फोल्डर खुलता है यहाँ पे वेरिएशन, प्लस जीरो विलिंग्स कर रहा है, ड्राइव और 127, तो इसका एक मतलब होता है फ्रेंड्स। सबसे पहले मैं इसको समझा देता हूँ, अभी इसको आप प्लस करेंगे तो देखिए यहाँ नंबरिंग चलना ये हो जाएगा, ठीक है। अब ये नंबरिंग का बहुत मायने है फ्रेंड्स, सबसे ज़रूरी चीज़ है आपको इसको समझना क्या है। जैसे अभी जीरो में है फ्रेंड्स और इधर ड्राई, कहने का मतलब कि जो साउंड है मेरा, ये साउंड है जिसमें हम डिले लगा रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स, इस बिल्कुल अभी ये ड्राई है, अभी किसी तरह का इसमें इफेक्ट आपका नहीं लगा हुआ है। तो अब हमको डिले लगाना है, ये भी ड्राई है, अभी यहाँ ड्राई लिखा रहे हैं तो ड्राई है। मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इसका एक मतलब होता है, और मतलब ये होता है कि डिले जो हमको चाहिए, डिले साउंड जो चाहिए, वो जो मेरा दोनों मेन साउंड और डिले साउंड का जो वॉल्यूम होगा वो सेम होना चाहिए या अप डाउन होना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि मेरा वॉल्यूम अगर अप डाउन हो, मेरा वॉल्यूम अगर अप डाउन हो, तो आपको ये लेवल अप डाउन करना पड़ेगा। मतलब कि आप बाएं साइड जो होता है वो मेरा मेन टोन का वॉल्यूम होता है, ठीक है, और जो मेरा दाएं साइड का जो ये होता है, ये पैरामीटर, ये मेरा डिले साउंड होता है। तो अगर आपको दोनों साउंड बराबर रखने हैं, डिले के साउंड और मेन साउंड दोनों का वॉल्यूम अगर बराबर रखना है, तो आपको 127 का टोटल इसका वॉल्यूम कैपेसिटी है, तो उसको दो पार्ट में कर देना है, यानी डिवाइडेड कर देना है। तो कितना हो जाएगा, 64 दूना 128 होता है, तो 63 64, या ये आप कर सकते हैं, 64 63 या 63 64, ये आप कर सकते हैं। जब आप इतना करेंगे तो आपको दोनों साउंड, आपको आउटपुट बराबर मिलेगा, डिले प्लस मेन साउंड, ये दोनों का हिटिंग बराबर मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम इसको बराबर कर देते हैं, और कम बेसी आपको करना हो तो आपको आप खुद ही कर लीजिएगा। फिलहाल मैं यहाँ, चलिए 63 64 कर दिया मैंने, डिवाइड कर दिया 127 को दो पार्ट में। इतना करने में क्या होगा कि मेरा डिले साउंड और मेन साउंड दोनों का वॉल्यूम सेम सेम सुनाई देगा। तो अब इतना करने का फ्रेंड्स, उसके बाद आपको बाहर आ जाना है, ठीक है, कुछ नहीं करना है आपको, बाहर आ जाना है, किट पे आ जाना है, ये कर देना है। उसके बाद फिर जाना है आपको राइट एरो पे, क्लिक करेंगे कॉमन, फिर क्लिक करेंगे अफेक्ट सेंड, फिर क्लिक करेंगे वेरिएशन, ये वेरिएशन आपको फोल्डर खुलेगा, इस पर आपको इंटर कर देना है। इंटर करने के बाद यहाँ पे नो इफेक्ट दिख रहा है, कहने का मतलब कि अभी किसी तरह का इफेक्ट नहीं लगा हुआ है ये में। अब क्या करना है फ्रेंड्स कि अब इसको फ्लश करते जाएंगे, तो सी कंप्रेसर, कंप्रेसर का जितना भी फोल्डर है इसमें दिखाएगा, और ये एफेक्ट्स फ्लेंजर ये सब दिखाएगा। उसके बाद करते जाएंगे, अब रिवर्ब, ये भी ऑल, इसमें सारे रिवर्ब आ जाएंगे, कोरस, डिले, आपको डिले पैरामीटर मिलेगा। आप यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड्स कि डिले आ गया, अब यहीं से हमको डिले लगाना है। अब फिर से एक बार ये करेंगे राइट एरो पे क्लिक, तो मेरा ब्लिंक क्रॉस डिले, क्रॉस डिले डिले का एक कैटेगरी है फ्रेंड्स, क्रॉस डिले, ठीक है। अब यहाँ पे अगर प्लस करके देखेंगे तो बहुत सारा डिले मिलेगा, ये क्रॉस डिले है, टेम्पो डिले है, देख रहे हैं, एक हिट पे आपको कई सुनाई दे रहा है। फिर आपको टेम्पो मोनो डिले है, फिर डिले एलआर है। तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से
आप डिले लगाएंगे। तो मैं आज क्रॉस डिले का बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये डिले जो होता है बहुत ज़्यादा यूज होता है। हम लोग जो मैं पैंच बजाया बस वो भी डिले इसी का मैंने यूज किया है। अब देखिए ये तो बज रहा है, लेकिन इसका टाइमिंग हमको चेंज करना है, अपने हिसाब से टाइमिंग सेट करना है। तो क्या करना है, आपको इंटर कर देना है। इंटर करेंगे तो ये मेरा जो है टाइम, डिले टाइम, ये पहला जो मिलेगा ये डिले टाइम होगा मेरा, ठीक है। अब हम इसको जितना प्लस करके बढ़ाएंगे, प्लस करते जाएंगे तो डिले का टाइमिंग बढ़ता चला जाएगा। आप सुन सकते हैं, देखे फ्रेंड्स, जितना हम इसको प्लस करते जा रहे हैं बढ़ता चला जा रहा है। आप जब भी एक साथ ही दोनों प्रेस करेंगे तो आपको जल्दी से बढ़ेगा, बढ़ाने में दिक्कत नहीं होगा। अब देख रहे फ्रेंड्स, ये चीज़ ये फंक्शन जानना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स आपके लिए, क्योंकि डिले लगाने से नहीं होता, डिले का टाइमिंग इम्पोर्टेंट रखता है कि हमको कितना टाइम पे चाहिए डिले, ठीक है फ्रेंड्स। अब देख सकते हैं, अब एक बार में दो हिट बज रहा था, आपका जो कमेंट आया था मैं उसी पे ये वीडियो बनाया हूँ। अब जितनी मर्जी कर सकते हैं, अगर भोजपुरी पैंच बनाते हैं तो करीब मैं वही 104.5 रखता हूँ डिले। तो फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। और चलिए अब तो इसमें डिले हो गया, इतना लगा दिए हैं, अब इसमें हम नहीं बढ़ाए थे। तो आते हैं सबसे पहले इसमें, तो सबसे पहले आपको डिले लगाने के पहले वो जो वेरिएशन मैं पहले इसमें बढ़ा दिया था तिरछा, वही काम जिसमें भी डिले लगाना हो तो सबसे पहला प्रोसेस आपका वेरिएशन बढ़ाना पड़ेगा। देखिए जैसे जैसे वेरिएशन बढ़ाते जाएंगे आपका डिले बढ़ता चला गया। ठीक है फ्रेंड्स, और अब इसी में अगर चाहते कि मेरा एक और सबसे मस्त इसमें फंक्शन है फ्रेंड्स, कि यहाँ पे आप चार चार टोन जब असाइन करेंगे तो चारों आपका अलग अलग, अगर एक ही हिट में मतलब हर एक बार आपको अलग अलग सुनाई देगा, ये फैसिलिटी है इसमें। एक हम बताते हैं, इसको फिलहाल सेव कर लेते हैं और आपको दिखाते हैं। जैसे ही यहाँ पे सुनिएगा फ्रेंड्स कि मैं यहाँ पे चार थूमा जो है असाइन कर रखा हूँ, और चारों हर एक हिट में अलग अलग बजेगा वो भी डिले के साथ। देखिए नंबर वन कुछ सुनाई देगा, टू कुछ है, थ्री कुछ है, फोर कुछ है, लेकिन सब में डिले लगा रखा है मैंने, कहे कि बजाने में सुविधा हो। फ्रेंड्स अब ये कैसे होता है, ये बहुत सा सिंपल सा है। आपको अगर ये करना है, ऐसा बनाना है, तो ये और पेड में कोई ऐसा सिस्टम नहीं है, रोलैंड का कोई भी पेड में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। इसमें बहुत अच्छा है ये फंक्शन, बहुत आपका काम का चीज़ है। अब इसको करना क्या है फ्रेंड्स, कि आपको एक ही बैंक में चार टोन असाइन कर देना है। मैंने चार यहाँ पे असाइन कर दिया, अगर देखना चाहेंगे तो हम दिखाते हैं आपको कौन कौन सा है। देखिए हिट करेंगे अपने शो करेगा, देखिए पहला है 44, 27, फिर आपका फिर 27 है, फिर ये है 36 है। तो सबको ट्यूनिंग करके मैंने रखा है और ऐसा। उसके बाद जब चार आप असाइन कीजिएगा फ्रेंड्स, तो उसके बाद आपको करना क्या है कि जाना है मिडी में। अब असाइन करने का तरीका क्या है फ्रेंड्स, कि शिफ्ट प्लस आप एरो एक बार प्रेस कीजिएगा, शिफ्ट प्लस एरो, तो आपका क्या होगा कि जिस भी बैंक में आप असाइन करना चाहते हैं वो आपका होल्ड हो जाएगा, आपको हिट करने से वो चेंज नहीं होगा। तो आपको शिफ्ट प्लस ये अप एरो ये होल्ड ये करना है, तो आपको जिस बैंक में आप काम कर रहे हैं वो बैंक आपका होल्ड हो जाएगा। उसके बाद आप उसको बजा बजा के देख सकते हैं, हिट करके देख सकते हैं, उसके बाद फ्रेंड्स वो होल्ड ही रहेगा। और उससे बाहर आना है तो फिर आपको शिफ्ट प्लस एरो प्रेस करना है, आप बाहर आइएगा।
ठीक है। और ऐसा करने के बाद ये जो अल्टरनेट बज रहा है सब, क्या इसमें इसको अगर आप सही से करने के लिए इसका सेटिंग आपको मिलेगा मिडी में। मिडी में जाने के बाद ये मैंने पहले घुस रखा था इसलिए यहाँ पे दिखा रहा है। मिडी में जाने के बाद आपको ये दिखाई देगा मैसेज, तो ये टाइप आएगा, उसको इंटर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे दिखाई देगा अल्टरनेट। अल्टरनेट सबसे पहले, ये तो अल्टरनेट किया हुआ है इसलिए सबसे पहला आपको दिखाएगा अटैक मोड। अटैक मोड का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, कि हम हिट करेंगे तो यहाँ चार टोन निशान है लेकिन चारों एक ही साथ बजेगा। देख रहे हैं यहाँ चार टोन का आपको साउंड सुनाई पड़ता होगा, ये अटैक टाइम है। अब इसको क्या करेंगे, हम अल्टरनेट कर देंगे। अल्टरनेट करेंगे करने का मतलब क्या है कि आपको चारों टोन अलग अलग टाइम पे बजेगा, वन बाय अल्टरनेट होके। देखिए 1 2 3 4, चारों आपको अलग अलग अल्टरनेट बज रहा है। यही मैं यही सेटिंग करके रखा हूँ। उसके बाद आप होल्ड करेंगे तो एक बार बजेगा एक बार नहीं बजेगा, लेकिन चारों एक ही साथ बजेगा। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो सिर्फ था डिले के लेके, और उम्मीद करता हूँ कि ये डिले सेटिंग्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और इसके बाद मैं और भी सारे वीडियो बनाऊंगा, बहुत अच्छे अच्छे वीडियो। तो मेरा चैनल को जो लोग सब्सक्राइब किए हैं उसको, उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया, और जो नहीं किए हैं वो कर लीजिए। और किसी भी तरह के अगर कमेंट आप करते हैं तो मैं उसका वीडियो बना के जवाब देने का कोशिश करूँगा। तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबा हो गया है तो मैं आज विदा लेता हूँ आपसे, और मिलते हैं फिर अगले अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।